Assalamualaikum and welcome to another video. आज हम सीरीन का एयरबस A330 का रिव्यू बना रहे हैं, so let's go. But before the airline, I want to talk about this airport. Islamabad airport मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आई लव दी आर्किटेक्चर और इस वन ऑफ माई फेवरेट एयरपोर्ट्स. मैं काफ़ी एयरपोर्ट्स में गया हूँ इंटरनेशनली, बट आई रियली लाइक इट. आई विल ऑल्सो भी टचिंग अप ऑन लिटिल बिट ऑफ थिंग्स ऑन दैट एज वेल. डोमेस्टिक टर्मिनल में आप प्लास्टिक रैपिंग सिर्फ 50 रुपये में करवा सकते हैं. दैट्स अबाउट US 30 सेंट्स या UAE या गल्फ़ के 1 dirham या रियाल. तो दैट्स वेरी अफोर्डेबल और यही पाकिस्तान के मज़े हैं. हमारी आज की फ़्लाइट एयरबस A330-200 जहाज़ में होगी, जो एक वाइड बॉडी जहाज़ है. मतलब ये जहाज़ एक आम जहाज़ से तकरीबन 60% ज़्यादा पैसेंजर्स अकोमोडेट कर सकता है. इस बड़े जहाज़ की वजह से चेक इन काउंटर्स पर रश भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है. ये जहाज़ 2 सीट कन्फिग्रेशन में आता है, जिसमें 275 नॉर्मल इकोनॉमी क्लास सीट्स हैं और 24 प्रीमियम सीट्स हैं, जिनको सीरीन प्लस के नाम से एडवर्टाइज़ किया जा रहा है. हम इस वीडियो में इकोनॉमी क्लास का रिव्यू करेंगे. चेक इन प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ था और मुझे सीरीन की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ये सारे पैसेंजर्स को पर्सनल हैंड सैनिटाइजर्स देते हैं. पाकिस्तान में बाकी कोई एयरलाइन ये नहीं करती, सो गुड जॉब सीरीन एयर फॉर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एयरलाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एयरपोर्ट. आप नोटिस करेंगे कि ये एयरपोर्ट बहुत ही खुला खुला लग रहा है और इसकी बहुत बड़ी वजह इसकी आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन फीचर्स हैं. आपको इस एयरपोर्ट में सूरज की रोशनी काफ़ी जगह से अंदर आती हुई मिलेगी. छत पर रोशनदान, साइड्स पर बड़ी बड़ी खिड़कियां और कोर्टयार्ड्स. दिस इज़ व्हाई आई लव दिस एयरपोर्ट. दुनिया भर में अक्सर एयरपोर्ट्स बहुत ही क्रैम्प्ड और कंजस्टेड होते हैं और इसकी बड़ी वजह एयरपोर्ट्स में सूरज की रोशनी की कमी होती है. ये एयरपोर्ट खुला खुला इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसके आर्किटेक्ट ने छत को इन बड़े बड़े कॉलम्स पर सहारा दिया है, जो एक दूसरे से फासले पर हैं और वाइट कलर में पेंट हुए हुए हैं. इसकी वजह से आपको एक अनऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ाइन देखने को मिलता है. आप इस एयरपोर्ट को एक एंड से दूसरी एंड तक काफ़ी आसानी से देख सकते हैं और यही बात इस डिज़ाइन की तारीफ के लिए काफ़ी है. खैर, आर्किटेक्चर पर हम अच्छा खासा गीक आउट हो गए हैं, तो अब देखते हैं कि डोमेस्टिक टर्मिनल में और क्या क्या अवेलेबल है. कोरोना की वजह से शायद सब कुछ बंद था सिवाय ब्रेड एंड कोक के. होपफुली जब ये बला टलेगी तो यहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह. ये एयरपोर्ट का क्रॉस सेक्शन व्यू है. इसका डिज़ाइन एक वाई शेप में है, जिसकी वजह से आसानी से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैफिक को डिवाइड किया जा सकता है और जहाज़ों के लिए काफ़ी गेट ब्रिजेस भी अरेंज किए जा सकते हैं. इस क्रॉस सेक्शन व्यू को देखने से ये लग रहा है कि डोमेस्टिक टर्मिनल पूरे एयरपोर्ट का 35% हिस्सा कवर करता है. डोमेस्टिक टर्मिनल में प्रीमियम लाउंज भी है, विच इज़ गुड टू सी. इसके अलावा एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई है, जिसको यूज़ करना काफ़ी आसान है और शिकायत रजिस्टर करवाने का सिस्टम भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है, जिसका तरीका यहाँ लिखा हुआ है. एयरपोर्ट में पाकिस्तानी आर्ट को काफ़ी प्रमोट किया गया है. इसकी पहली मिसाल ये एयरपोर्ट बगी है, जिसको ट्रक आर्ट से सजाया हुआ है. ये खूबसूरत एंट्रेंस प्रीमियम CIP लाउंज की है, जहाँ बड़े लोग अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार करते हैं. एयरपोर्ट में प्रेयर रूम्स और बेबी केयर रूम्स भी अवेलेबल हैं. मुझे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बहुत पसंद हैं, शायद इसी वजह से ये एयरपोर्ट मेरे दिल के बहुत करीब है. यहाँ से आप प्लेन स्पॉटिंग भी कर सकते हैं. और ये रहा हमारा सीरीन का एयरबस A330-200. मेरे जैसे जहाज़ों के शौकीन के लिए ये बहुत एक्साइटिंग है. स्पीकिंग ऑफ गुड आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन ऑफ दिस एयरपोर्ट, बोर्डिंग गेट्स और मेन टर्मिनल में एक हायरार्किकल डिवीज़न रखा गया है. आसान लफ्ज़ों में मेरा मतलब है, डिपार्चर गेट्स निचले फ्लोर पर हैं और मेन टर्मिनल ऊपर है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं तो आपने काफ़ी एयरपोर्ट्स पे देखा होगा कि अगर फ़्लाइट फुल हो और स्पेशली अगर जहाज़ वाइड बॉडी हो, तो पैसेंजर्स बोर्डिंग गेट से उबल उबल कर टर्मिनल के वॉकवेज तक आ रहे होते हैं. इस डिज़ाइन की वजह से इस एयरपोर्ट पे ये मसला नहीं होगा. उसके अलावा अमेरिका जाने वाली डायरेक्ट फ़्लाइट्स में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स होते हैं.
और जब कभी भी वो दिन आएगा जब PIA अमेरिका डायरेक्ट फ्लाई करेगी तो उसके लॉजिस्टिक्स अरेंज करना इस एयरपोर्ट पर काफ़ी आसान होगा। इन स्क्रीन्स पर आप अपनी फ़्लाइट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं और हमारी फ़्लाइट टाइम पर है, सो वील हेड टू द बोर्डिंग गेट नाउ। हमारे जहाज़ का रजिस्ट्रेशन कोड APBNE है। प्लेन रजिस्ट्रेशंस के बारे में हमने एयरसियाल के रिव्यू में भी डिस्कशन किया था, सो मेक श्योर यू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। ये रिव्यू सिर्फ सिरीन एयरलाइन का नहीं है बल्कि उनके इन नए बड़े जहाज़ों का भी है। ये जहाज़ एयरबस A330-200 हैं जिनका शुमार वाइड बॉडी जेट्स में होता है। वाइड बॉडी जेट्स की पहचान ये होती है कि उनके कैबिन में दो आइल्स होते हैं, या आसान अल्फाज में वो जहाज़ जिनके बीच में भी सीटिंग होती है। इसके अलावा तकरीबन सारे वाइड बॉडी जहाज़ एटलीस्ट दो सीट कन्फिग्रेशन में आते हैं जिससे एयरलाइंस अपनी प्रीमियम कैबिन प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर सिरीन एयर इस जहाज़ में सिरीन प्लस के नाम से एक प्रोडक्ट सेल कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिरीन प्लस कस्टमर्स के लिए अलग से एंट्री गेट लगाया हुआ है और ये सिर्फ वाइड बॉडी जहाज़ में ही मुमकिन होता है। सिरीन के इन नए जहाज़ों पर सैटेलाइट इंटरनेट का एंटीना भी लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या ये इंटरनेट चलेगा भी या नहीं। विल फाइंड आउट सून। A330 से थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट्स के बारे में बात करते हैं। एयरपोर्ट के हर गेट पर अच्छी खासी सीटिंग अवेलेबल होती है और डिफरेंट सीटिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए बायोमेट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी मिलेंगे। और आखिर में मेरा फेवरेट फीचर, आपको हर बोर्डिंग गेट पर एक बड़ा सा आर्टवर्क देखने को मिलेगा। हमारे इस गेट पर उस्ताद अब्दुलरहमान नकाश का आर्टवर्क लगा हुआ है। ये 12x24 फुट का खूबसूरत आर्टवर्क ऑयल पेंट से हैंड पेंटेड है। सदियों से मुल्तान नक्काशी का गढ़ रहा है और ताजमहल की नक्काशी में भी मुल्तान के नक्काशों का हाथ शामिल है। अनफॉर्चुनेटली ये आर्ट फॉर्म पाकिस्तान में अब डिक्लाइन पर है, मगर मुझे खुशी हुई है कि हम अपने आर्ट फॉर्म को इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। मेरा दिल है कि मैं इस एयरपोर्ट पे एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाऊं, मगर एयरपोर्ट इंतज़ामिया की परमिशन और सपोर्ट के बग़ैर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर एयरपोर्ट इंतज़ामिया में से कोई ये वीडियो देख रहा है और मुझे स्पेशल टूर करवा सकता है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर रब्ता करें। अब वापस सिरीन के एयरबस A330 पर आ जाते हैं। सिरीन एयर पाकिस्तान में तकरीबन 5 साल से ऑपरेशनल है और फरवरी 2020 तक सिरीन के पास 3 नैरो बॉडी बोइंग 737-800 थे। नेशनल एविएशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2019 के मुताबिक एक पाकिस्तानी रजिस्टर्ड एयरलाइन को इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए अपनी फ्लीट में कम अज़ कम 5 जहाज़ रखने चाहिए। सिरीन एयर ने अपनी फ्लीट को 3 737 से बढ़ाकर 4 737 और 3 A330 कर दिया है, जो एक काफ़ी एम्बिशियस और मैसिव ग्रोथ है। अगर हम सीटिंग कैपेसिटी को देखें तो जनवरी 2020 तक सिरीन की टोटल फ्लीट सीटिंग कैपेसिटी 567 थी, जो आज बढ़कर 1653 हो चुकी है। इसका मतलब सिरीन एयर की सीटिंग कैपेसिटी में 1086 सीट्स का इजाफा हुआ है, जो ऑलमोस्ट 200% का इंक्रीज़ है। इससे ये जाहिर होता है कि सिरीन एयर मैनेजमेंट के काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स थे, बट एज वी ऑल नो COVID-19 की वजह से दुनिया भर में ट्रैवल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है और मेरे ख्याल में सिरीन एयर के ग्रोथ प्लान्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से। आज हम सिरीन एयर के APBNE रजिस्टर्ड जहाज़ में सफ़र करेंगे जो 15 साल पुराना है। ये जहाज़ मार्च 2006 में स्पेन की एयरलाइन एयर यूरोपा को डिलीवर किया गया था, जिसने इसको 11 जनवरी 2020 में अपनी फ्लीट में से इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। 27 अगस्त 2020 को ये जहाज़ सिरीन एयर की फ़्लीट में शामिल हुआ। सिरीन के बाकी दो A330 जहाज़ APBNF और APBNG 14.5 और 13.5 साल पुराने हैं। ये दोनों वही जहाज़ हैं जो पहले शाहीन एयर के पास हुआ करते थे। A330 अपनी फ्लीट में शामिल करने के बाद सिरीन पाकिस्तान की वाहिद एयरलाइन है जो A330 फैमिली को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है।
और पाकिस्तान की वाहिद प्राइवेट एयरलाइन है जिसके पास वाइड बॉडी जहाज़ हैं। अब देखना यह है कि इस जहाज़ में हमें पैसेंजर एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा। सो लेट्स बोर्ड द फ्लाइट। आप लोगों का मेरा एयरसीएल रिव्यू पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये रिव्यू भी पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये जहाज़ 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन में आता है और इनके प्रीमियम प्रोडक्ट सिरीन प्लस की एंट्री इस गेट से होती है। अगर आपकी YouTube पर सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह एक दिन इसका रिव्यू भी बनाएंगे। मेरी एयरसीएल की वीडियो में काफ़ी लोगों ने शिकवा किया कि मैंने टिकट की प्राइस नहीं बताई। मैं टिकट की प्राइस इसलिए नहीं बताता क्योंकि फ़्लाइट के रेट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं सीज़न के मुताबिक। अगर आपने रेट्स पता करने हैं तो एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके मालूम कर सकते हैं। जहाज़ में एंटर होते ही आप इसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, वाइड बॉडी जेट्स में 2 आइल होते हैं और बीच में भी सीटिंग होती है। इस जहाज़ की इकोनॉमी सीट कॉन्फ़िगरेशन 2-4-2 है जो सिर्फ एक वाइड बॉडी जहाज़ में ही पॉसिबल है। इकोनॉमी सीट्स का लेगरूम मुनासिब लग रहा है और हर सीट में डेडिकेटेड स्क्रीन भी है। मगर जैसे कि मैंने एयरसीएल की वीडियो में शेयर किया था कि कौन सी बेस्ट सीट है, इस वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा कि इस जहाज़ में सबसे बेहतरीन सीट कौन सी है। 40 पे 40 जी 40 के। तो ये रही हमारी सीट और आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया हमारा ही है। इन सीट्स को पुअर मैंस बिज़नेस क्लास सीट भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इकॉनमी क्लास के पैसों में बिज़नेस क्लास जैसे मज़े। अगर आप इस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और आपको ऐसी सीट चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिया गया कोई भी सीट नंबर चूज़ कर सकते हैं। याद रहे, ये सीट सिर्फ फिज़िकली एबल और 18 साल से ज़ायद उम्र के पैसेंजर्स के लिए ही अलाउड होती है क्योंकि ये सीट्स इमरजेंसी एग्ज़िट्स पर होती हैं। ये पाकिस्तान की वाहिद डोमेस्टिक फ़्लाइट है जिसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन्स दी गई हैं। ये इस सीट का मल्टीमीडिया रिमोट है। और ये इसकी स्क्रीन। अभी ये ऑफ है, शायद टेक ऑफ के बाद खुल जाए। वैसे अमूमन फ्लाइट्स में ये टैक्सी के दौरान भी ऑन रहता है। इतना कुछ टच करने के बाद अब सैनिटाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है एयरबस A330-200 का खसूसी सेफ्टी कार्ड। क्योंकि मेरे सामने कोई सीट नहीं है तो मेरी स्टोरेज पॉकेट्स साइड वॉल पे दी गई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स। मुझे सीट कलर सिरीन की ब्रांडिंग से काफ़ी ऑफ लग रहा है। मुझे लगता है कि ये सीट्स एयर यूरोपा की ब्रांडिंग की हैं और सिरीन ने इन सीट्स को चेंज नहीं किया। सो देयर इज डेफिनेटली सम कॉस्ट कटिंग फ्रॉम सिरीन। एयर यूरोपा की यूट्यूब वीडियोस देखकर ये कंफर्म हो गया है कि ये सीट्स बिल्कुल सेम हैं। दिस लुक्स रियली बैड ऑन सिरीन्स ब्रांडिंग एंड द प्रीमियम फ्लाइंग एक्सपीरियंस दैट आई हैव कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। आई हैव फ्लोन सिरीन 3 times इन द पास्ट एंड इट इज़ माई एयरलाइन ऑफ चॉइस इन पाकिस्तान, बट दिस इज़ नॉट सिटिंग वेल विद मी। Anyway, it's time to prepare for departure and the cabin crew is ensuring all safety procedures are followed. I got a buzz from my head to my toes that I'm gonna make my home in the sky. Can't stop me now, no, the moon.
सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कोई स्क्रीन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो होपफुली इन द फ्यूचर सिरीन अपनी एक सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो बनाएगा ताकि वो अपने A330s में इसको प्ले कर सके। गेटिंग रेडी फॉर टेक ऑफ, गेट रेडी फॉर द ब्यूटिफुल साउंड ऑफ जेट इंजन्स। क्या लकी शॉट आया है, पूरा A330 एक फ्रेम में, वाह। ये 2122 एकड़ फीट का डैम खास एयरपोर्ट को पानी सप्लाई करने के लिए बनाया गया है, और फन फैक्ट, ये डैम मेरी बीवी से हम नाम भी है। सीट बेल्ट साइन इज ऑफ, सो लेट्स चेक द लेवेटरी जो बिल्कुल हमारे सामने है। सो लेवेटरी काफ़ी छोटी है A330 की, अगर मैं A320 वाली से कंपेयर करूँ। मेरे पास लिटरली सिर्फ खड़े होने की जगह है। आई जस्ट फाइंड इट फैसिनेटिंग कि एक वाइड बॉडी जहाज़ की लेवेटरी नैरो बॉडी जहाज से छोटी है। खैर, ऐसी वियर्ड बातें मुझे ही फैसिनेट करती हैं, विच इज़ वाई आई डोंट हैव फ्रेंड्स। वैसे क्लिनलीनेस बस सही है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर, पर मुझे कोई हैंड वॉश या साबुन नज़र नहीं आ रहा। ओके, वाओ, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। अब समझ में आया ये लोग हैंड सैनिटाइजर्स क्यों दे रहे थे, बिकॉज नोबडी वुड लाइक टू यूज़ दैट। दिस इज़ एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम सिरीन एयर, देर इज़ नो वे टू जस्टिफाई दिस, एंड आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इन एनी एयरलाइन। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस को खाना सर्व करने से मना किया है, तो बाकी एयरलाइंस की तरह सिरीन ने भी पानी की बॉटल सर्व की हैं। ओके, टाइम टू टेस्ट के क्या ये स्क्रीन्स काम करती हैं या नहीं। ओके, लगता है कि टच स्क्रीन नहीं है, तो लेट्स ट्राई द रिमोट। पैसेंजर अनाउंसमेंट हो रही है तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, मगर स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, इसमें कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। ओके, बैक टू इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट टेस्टिंग। ओके, आई थिंक ये नहीं चल रहा, तो एयर होस्टेस से पूछता हूँ कि क्या सीन है। एयर होस्टेस से पूछा तो उसने बड़े मज़े का जवाब दिया है, उसने कहा कि ये सिर्फ शोपीस है और ये नहीं चलता। तो आई लाइक हर ऑनेस्टी, और मुझे इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो यू हैव योर आंसर। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद पता लगा कि ना सिर्फ स्क्रीन ख़राब है, बल्कि रिमोट से ना मेरी रीडिंग लाइट्स और ना ही एयर होस्टेस का कॉल बटन चल रहा है। व्हाट अ शेम। ओके दोस्तों, वाईफाई का स्टिकर तो लगा है, क्या वाईफाई मिलेगा? नहीं। थोड़ी ज़्यादा इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो एयर यूरोपा की ब्रांडिंग का ही इन फ्लाइट सिस्टम चल रहा है, और सिरीन की ब्रांडिंग का कोई नामो निशान ही नहीं है। सो बेसिकली इस जहाज़ को सिर्फ बाहर से पेंट करवाया गया है, बाकी अंदर से ये एयर यूरोपा का ही जहाज़ है। वैसे सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और ये हेडरेस्ट का ऑप्शन भी है, विच इज़ नाइस।
Anyway, let's give you a tour of the plane. जहाज तकरीबन फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, which is a sign के डोमेस्टिक रूट पर वाइड बॉडी जहाज एक वायबल ऑप्शन है, मगर एक फ्लाइट की बेसिस पर यह कंक्लूजन निकालना गलत है। सो हमें लॉन्ग टर्म डेटा देखना होगा, क्या सिरीन के लिए ये जहाज प्रॉफिटेबल रहा है या नहीं। आई गेस वील फाइंड आउट विद टाइम। दिस फ्लाइट हैज़ बीन प्रिटी डिसअपॉइंटिंग सो फार। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मेरे पहले के एक्सपीरियंसेस सिरीन एयर के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, मगर इस फ्लाइट में एक और चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर किया है, और समझ लें कि इट वॉज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर दिस फ्लाइट। मुझे इस फ्लाइट में कैबिन क्रू मोराल बिल्कुल नज़र नहीं आया। कैबिन क्रू की बॉडी लैंग्वेज, उनका पैसेंजर्स के साथ बात करने का तरीका, जिसकी आपने एग्जांपल कुछ देर पहले देख ली थी, और उनका एंथुजियाज्म, सब ज़ीरो था। कैबिन क्रू का घड़ी देख देख कर ठंडी सांसें लेना, पैसेंजर्स के सामने गप्पे लगाना, मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस PIA के अलावा किसी और एयरलाइन के साथ नहीं हुआ। आई एम सॉरी बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सिरीन एयर। मुझे ज़्यादा अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम सिरीन एयर, और आई विल गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि मेरे पिछले तीन एक्सपीरियंसेस ऑन देयर 737 नैरो बॉडीज़ काफ़ी अच्छे रहे हैं, मगर ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और मेरी सिरीन एयर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आप इसको स्टडी करें कि आपके क्रू का मोराल क्यों कम हो रहा है, और आपको रिसेंटली इसके बारे में क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। अगेन, मैं सिरीन को यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा और फिर से ट्रैवल करूँगा टू सी इफ़ दिस वॉज अ वन ऑफ थिंग। अपनी नेक्स्ट सिरीन फ्लाइट के बारे में मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट दूंगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस चेंज हुआ कि नहीं। आई होप सिरीन विल टेक दिस फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। एनीवे, अब बस ये फ्लाइट एंड होने का वेट कर रहा हूँ, और मैंने भी टाइम देख देख कर ठंडी सांसें लेना शुरू कर दी हैं। बहरिया टाउन की प्लॉटिंग देखकर समझ आ गई कि कराची की हदूद में एंटर हो गए हैं। ज़रा आप चेक करें कि किस स्केल पर काम हो रहा है। सो वी आर अप्रोचिंग रनवे। And that was a very smooth landing. Not sure if this is cute or dangerous. Let me know in the comments के क्या कबूतरों का एयरपोर्ट पे होना सही है। मेरे ख्याल में काफ़ी डेंजरस है, और इससे ना सिर्फ माली मगर जानी नुकसान भी हो सकता है। सो फाइनल वर्डिक्ट, Do I recommend सिरीन Air's A330 economy class domestically? The answer is a resounding no. I do not recommend it. अगर आप इस जहाज़ में सफ़र करते हैं तो आपको चेक इन, बोर्डिंग, ऑफ लोडिंग तीनों में नैरो बॉडी से ज़्यादा टाइम लगेगा, और इस सब हैसल के बदले आपको कुछ ख़ास नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है आप सिरीन के नैरो बॉडी 737 पर सफ़र करें, या किसी और एयरलाइन के A320s पर सफ़र करें। A330 को डोमेस्टिकली अवॉइड करें। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो सिरीन प्लस का रिव्यू भी बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।